जन औषधि दिवस पर 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को दूसरे जन औषधि दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज सप्ताह भर से मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह का भी आखिरी दिन है। इस प्रशंसनीय पहल के लिए भी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री, भारतीय जन औषधि परियोजना इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति एक सत्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। लाइव शो के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब एक महिला की आंखों में खुशी के आंसू देख पीएम मोदी भी भावुक हो गए। जन औषधि परियोजना से पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को 2,2500 करोड़ रुपए की बचत जन औषधि केंद्रों के कारण हुई है। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे ही इसका लाभ भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयां ले रहे हैं। जेनेरिक दवाओं को लेकर अफवाहें फैलाई जाती हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है, कहीं इसमें कोई खोट तो नहीं है। जन औषधि परियोजना के पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए की बचत जन औषधि केंद्रों के कारण से हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जन औषधि केंद्रों की उपलब्धियां गिनवाई। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अमीर दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ, मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। देश भर के हजारों जन औषधि केंद्रों से जुड़े सभी साथियों को होली की मुबारक और आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अनेक केंद्रों में हमारे कुछ मुख्यमंत्री, मेरे मंत्रिपरिषद के कुछ साथी ये भी वहां मौजूद है। आप सभी को दूसरे जन औषधि दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हफ्ते भर से मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह का भी आखिरी दिवस है। इस प्रशंसनीय पहल के लिए भी मैं सभी जन औषधि केंद्रों के संचालकों का, भारत सरकार का और इसमें सहयोग देने वाले सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और अभिनंदन भी देता हूं। साथियों, जन औषधि दिवस सिर्फ
एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिवस नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का, एक आत्मीयता का ये प्रसंग है, जिनको इस योजना से बहुत कुछ लाभ हुआ है, बहुत राहत मिली है, उनके माध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ अवश्य लें। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम चार सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका लाभ भी और अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। जैसे कैंसर की बीमारी के इलाज में जो दवा उपयोग में आती है, वो दवाई बाजार में करीब 6500 रुपये की मिलती है, वही दवा जन औषधि केंद्र में सिर्फ 850 में उपलब्ध है। इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए, और अब जो खर्चा हो रहा है करीब करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपये, इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के 1 करोड़ परिवार के 2-2.5 हजार करोड़ रुपया बचना, ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं। मैं इन जन औषधि केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े
एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। आइए आज मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से बातें करना चाहता हूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले ए फॉर असम, असम में हमें गुवाहाटी जाना है, तो सबसे पहले गुवाहाटी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी एमपी साहिबान दिख रही हैं, हमारे कुछ मंत्री दिख रहे हैं, हमारे साथी सब वहां नजर आ रहे हैं। बताइए कौन बात करेगा। नमस्कार मंत्री महोदया। नमस्ते जी, मेरा नाम अनुभव महंता है और 13 साल पहले मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से मैं 72% फिजिकली चैलेंज हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट या गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो 3 साल पहले मैं मुझे ये जनौषधि के बारे में पता चला और उसके बाद हम लोगों ने एक इधर स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोग का अभी 2 जनौषधि केंद्र है और हम लोग मेरा मित्रों मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें से सर क्या बताइए, बताइए अनुभव सर। इसमें पहले पहले आदमी बहुत काम आता था, अभी धीरे धीरे करके सबको जान पहचान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इससे मैं अपना जीविका तो कर ही रहा हूँ, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ऊपर से सबका गरीबों का बहुत हेल्प हो रहा है सर। चलिए पहले तो आपको बहुत बधाई है क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खोजा जिससे आप कईयों की मदद कर रहे हैं। और आपने कहा कि आपके साथी भी इस नए नए काम में जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी है। शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे बात करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अशोक कुमार बेताला गुवाहाटी असम से बोल रहा हूं। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आप बोलते चलिए, आप माइक की चिंता मत कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं सर मेरा ब्लड हेलो। अरे आप माइक की चिंता मत कीजिए भाई, वो जो ठीक कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए माइक की, वो जो करते हैं करने दीजिए, अशोक जी को करने दीजिए, सब लोगों को, सब लोग मदद करने जाओगे तो क्या होगा भाई। मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मेरा 2015 में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था। तो सर मैं लगातार 5 वर्षों से, विगत 4 वर्षों से मैं दवाई ले रहा था, अंग्रेजी दवाई। तो फिर मेरे मित्रों ने, परिचितों ने बोला कि यहाँ बेलतला गुवाहाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है, आपका यहाँ पूरा गुवाहाटी में मोदी जी के दुकान के नाम से ही यहाँ जाने जाते हैं आप सर। तो मैं ये होता है तो मेरी लगभग 2500 रुपये की ये होती है, आपकी बचत होती है। मैं ये बचत है, मेरी पोती है ये,
करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है, ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बनाकर के रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है, इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता हूं ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे, आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चिंता करनी है। आइए अब हम देहरादून चलते हैं आसाम से। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। चलिए, हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, काफी लोग दिख रहे हैं सब। मोदी जी को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है, मैं देहरादून में कई जन औषधि केंद्रों का संचालन करता हूं और ये प्रेरणा मुझे इसलिए मिली है कि यहां पे कुछ मरीज ऐसे थे जो दयनीय स्थिति में थे, मैं उनकी मदद करना चाहता था पर वो महंगी दवाइयां होने के कारण मैं उनको सहमत नहीं हो पाता था। तब ये जन औषधि केंद्रों का पता लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सहयोग है, तो फिर हमने जो है इसके लिए प्रयास किया, हमें चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बाद हमने लोगों को कुछ मुफ्त दवाइयां भी दी हैं, कुछ चैरिटी में भी दी हैं। अब सस्ती दवाइयों का हम डिस्प्ले करते हैं, लोगों को देते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। कुछ महिलाएं, ये महिला अस्पताल में हमारा एक है तो यहाँ महिलाएं होती हैं, कई गायनोलॉजिस्ट का बना हुआ है तो यहाँ इन लोगों को बहुत फायदा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कौन है जो बात करना चाहता है? जी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था।
आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है, तो आपका आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। और आपने सही कहा कि जेनरिक दवाएं कैसे आपका लाभ किया, 5,000 रुपया का खर्च होता था, 3,500 रुपया आपका बच रहा है। ये बात सही है कि कभी कभी जेनरिक दवाओं के संबंध में आप इतना विश्वास से बोलती हैं और जेनरिक दवाओं में आपको भगवान दिखाई दिया है, फिर भी कुछ लोग बड़ी अफवाह फैलाते रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है। जरूर दवाई में ही कुछ गड़बड़ होगी, कहीं रंगीन गोलियां बना करके कोई नहीं दे रहा है, ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। लेकिन दीपा जी, आपको देख करके पूरे देशवासियों को विश्वास होगा कि आपने जेनरिक दवाओं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है। मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी आज दीपा जी आपका अनुभव है। मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूं कि ये दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है। हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिल्कुल खरी उतरती हैं। ये दवाएं बेहतरीन लैब से सर्टिफाइड होती हैं। हर प्रकार की सख्त जांच से निकले दवा निर्माताओं से खरीदी जाती है। यदि किसी दवा निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें आती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाती है। ये दवाएं भारत में ही बनती हैं, मेक इन इंडिया है, सस्ती भी है। और भारत की बनी जेनरिक दवाओं की आपको खुशी होगी, सिर्फ देहरादून में नहीं, पूरी दुनिया में आजकल मांग है, डिमांड है। और हमारे ये दवा उत्पादक लोग हैं वो जेनरिक दवा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेनरिक दवाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है।
कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं ही लिखे ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोध रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को ये बात के लिए कहते रहें ताकि वे जेनेरिक दवाएं लिखे ताकि गरीब पेशेंट को महंगी दवाएं खरीदना न पड़े। मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को, दीपा जी जैसे 1 करोड़ से अधिक परिवार हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाइए। आपको जो लाभ हुआ है वो आप जितना कहेंगे उतना लोग ज्यादा मानेंगे। इससे जन औषधि का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचेगा। मोदी की दुकान जिसको लाभ मिल रहा है वो तो है, लेकिन अधिक लोगों को लाभ मिले, गरीब को लाभ मिले तो हम लोगों को भी संतोष मिलता है। तो दीपा जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो भी छोटी मोटी समस्या बची होगी उसको पूरी तरह परास्त कर दोगी और बिल्कुल ताकत के साथ बाहर निकलोगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये तो देवभूमि है हमारा उत्तराखंड, तो सब देवों के आशीर्वाद आप पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम पुणे चलते हैं। कौन है पुणे में, कौन बात करेंगे? नमस्ते मोदी जी, मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 41 साल की है और मैं किडनी पेशेंट हूँ। पहले इतनी छोटी आयु में? हाँ यही तो, अरे छोटी आयु में मुझे ये बीमारी हो गई, बहुत परेशानी हो गई। चलिए अल्लाह ताला से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट से आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी बाहर निकले। जी जरूर, आपने जो जन औषधि की शुरुआत की है वो बहुत बहुत फायदा होता है मुझे उससे। पहले मैं ये दवाइयाँ 2200-2500 में खरीदती थी, मेरा बजट पूरा हिल जाता था, ऐसा लगता था ये मुझे क्या हो गया, अभी मेरे बच्चों का कैसे होगा, कैसे मैं सब संभालूंगी। पर मुझे ये मालूम पड़ा पेपरों में इसमें कि जन औषधि के में ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है, तभी मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। तो मेरे 800 रुपये में पूरी दवाइयाँ आती थी और मेरे बचे हुए पैसे मैं घर भी चला सकती थी, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए यूज कर सकती। आज मुझे इसका बहुत फायदा होता है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि और से और इसमें कामयाबी मिले और सब गरीबों को इसका फायदा हो। मेरे जैसी कम उम्र में बीमारी होती है, इनका उनका भी फायदा हो। और मैं ये मेरे डायलिसिस, मुझे डायलिसिस चालू है, मैं ये सब जगह बताती हूँ कि ये दवाइयाँ यूज करें। सबको प्रचार करते रहती हूँ कि ये दवाइयों से अपना बजट भी सही रहता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। आपकी आपके परिवार के कौन आए हैं? बेटियाँ हैं यहाँ। अच्छा, तो बेटियों को पढ़ाती हो? हाँ। का है नाव, का है मुर्गी से नाव, का है अल्फिया खान। हाँ। क्या पढ़ती हो बेटा? मैं टेक्सटाइल डिजाइन कर रही हूँ। अरे वाह, देखिए माँ को तो बीमारी हो गई, लेकिन इस बीमारी से अगर संभाल करके रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ जरूर। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बेहतर सेहत की कामना करता हूँ और आपकी बेटियों को आप पढ़ा रही हैं और अच्छा पढ़ा रही है, इसलिए मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वरना कभी बीमारी के कारण इंसान इतना परेशान हो जाता है कि परिवार की तरफ ही कौन किसकी सेवा करे चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस दवाई से आपको जो लाभ हुआ है, दो प्रकार के लाभ हुए हैं। एक तो आपने सर्वाधिक महंगा और कष्टदायक ये जो स्थिति से निकली है और उसमें से अब आपको कम से कम आर्थिक मदद मिल गई है,
और इस व्यवस्था से जाने के कारण अब आपको दवाइयां तो सस्ती मिली हैं, डायलिसिस की सुविधा भी मिल रही है और आप अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर पा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की कोई भी योजना जब पूरे परिवार का हित करती है, पूरे समाज का हित करती है, तो वो अपने आप में बहुत आशीर्वाद का कारण बनती है। और आपको जानकारी खुशी होगी, आज 1000 से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से जैसे आपके पैसे बचे हैं, पूरे देश में जिन्होंने इसका फायदा उठाया है करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए आप जैसे नागरिकों के जेब में बच गए हैं, जो पहले उनको ज्यादा होना ही होना था क्योंकि बीमारी में कहां जाएगा बेचारा, कर्ज लेना पड़ता था। करीब करीब 90 लाख गरीब मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिल चुका है। यही नहीं, स्टेंट्स और नी इम्प्लांट्स की कीमत भी कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। सरकार का प्रयास ये है कि देश में लोगों को मेडिकल सुविधा के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और इसलिए देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, नए एम्स बनाए जा रहे हैं। इस वजह से देश में मेडिकल सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने वाले हैं। आइए, मैं आपकी बेटियों को और आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले आप औरों को भी जरूर बताएं कि आप जन औषधि केंद्र की दवाइयां लीजिए, अपने पैसे बचाइए और पैसों का परिवार के लिए अच्छा उपयोग कीजिए। इतना मेरी तरफ से आप काम जरूर करिए और फिर एक बार मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम वाराणसी चलते हैं। चलिए, मेरी तरफ से भी सभी वाराणसी के भाइयों बहनों को हर हर महादेव। तो रंग अभी तो बनारस होली के रंग में रंग गया होगा, हैं? रंगीली एकादशी किया होगा, अब होली के रंग में रंग जाओगे। हाँ बताइए, कौन बता रहा है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं अपर्णा कपुरिया आपके शहर वाराणसी से हूँ। सर, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं यहाँ वाराणसी में जनौषधि स्टोर चलाती हूँ। जनौषधि स्टोर में 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। कितने समय से चला रही हो अपर्णा जी? 18 महीने हो गए सर चलाते हुए। जी जी, तो 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जन औषधि केंद्र आपको मिला तो किसी की सिफारिश लगानी पड़ी थी क्या? जी बिल्कुल नहीं। किसी को रिश्वत देनी पड़ी थी क्या? मैंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए। किसी को रिश्वत देनी पड़ी क्या? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सच बताइए। सच सर? सर ऐसा नहीं है। हमको पता चला था ये लखनऊ से कि एक्चुअल में सर मैं 8-10 साल से मेडिसिन लाइन में हूँ और हम कैंसर मेडिसिन में काम कर रहे थे, तो उसके तहत मैं गरीबों को या जरूरतमंद को मेडिसिन देती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री में। फिर हमको पता चला कि जनौषधि में बहुत सस्ती दवाई हैं क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन है। फिर हमने और अधिक पता करा और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। फिर हमने जनौषधि एक एक करके जिन जगहों पे जरूरत थी वहाँ स्टोर खोलना शुरू किया। अभी मेरे 8 स्टोर हैं बनारस में और एक रॉबर्टगंज सोनभद्र में है। तो मैं फिर उसके बाद ये इतनी कम दाम की दवाइयाँ थी ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके, क्योंकि जो कैंसर की मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है सर। एक मेडिसिन होती थी तो 1800 रुपये की, जहाँ पे 800 की मिलती है
जन औषधि पे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे 800 रुपए में मिलती है। तो उसके बाद हम लोग को लगा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम इस तरह से जन औषधि स्टोर्स खोलते हैं और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले इस चीज का। फिर हमने एक एक करके जन औषधि स्टोर्स खोलना शुरू किया और अब पूरी तरह से मैं और मेरे पति, मेरे परिवार के सभी लोग इसी योजना में लगे हुए हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक अवेयर किया जाए जेनेरिक मेडिसिन के लिए और उनको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ हो सके, सस्ती दवाइयाँ मिल सके। और सर मैं बताना चाहूँगी कि जो सीनियर सिटीजन है और ये महिलाएं हैं सबसे ज्यादा लाभ उनको मिल रहा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सीनियर सिटीजन है जो उनको उनकी पेंशन होती है वो सारी दवाइयों में खर्च हो जाती है, क्योंकि महीने की दवाइयाँ लेते हैं वो। अब क्या है कि जो पैसे बचते हैं वो अपने परिवार पे या पौष्टिक आहार लेने के लिए वो खत्म कर यूज कर पाते हैं उन चीज़ों को। और महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन नहीं भी यूज करती थी, मैं गांव में जाती हूँ, स्कूल भी अडॉप्ट करती हूँ और उनको अवेयर करती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन कैसे वो यूज कर सकती हैं इतने कम दामों में, तो कोई भी ले सकता है। मैं तो अपने तरफ से देती भी हूँ उन लोगों को, लेकिन साथ ही वो स्टोर्स पे आके उन नैपकिन्स को ले सकते हैं, महीने का ले जाते हैं। तो सर मैं बताऊँ कि महिलाएं आती हैं पूरे पूरे दो दो तीन तीन महीने का, आस पड़ोस के लोगों का भी लेके जाती हैं अपने संग। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई एक रुपए में ले जाता है और जाकर के दो रुपए में बेचता है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि उस पर प्राइस लिखा हुआ है तो लोग इतने पढ़े लिखे तो होते ही हैं गांव में भी अब कि ये जान सके कि ये अच्छा कितने पहले जितने लोग ले जाते थे, जितनी बहनें ये सैनिटरी नैपकिन ले जाती थी, अब संख्या बढ़ी है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत सर, मैं पर मंथ 4 लाख नैपकिन तो बेचती ही बेचती हूँ अपने स्टोर से मैं सर। और बिल्कुल गरीब गरीब माँ बहनों को भी पता है कि ऐसा लेना चाहिए? पता है सर, पता है। वही सर मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जन औषधि मित्र एक मेरी मुहिम चलती हैगी, जिसके तहत मैं महिला मित्रों को जोड़ती हूँ और वो अधिक से अधिक और महिला मित्रों को अपने साथ जोड़ती हैं ताकि माउथ पब्लिसिटी से और लोगों को पता चल सके कि यहाँ कितने कम दामों में सैनिटरी नैपकिन से साथ ही दवाएं भी कितने, जो हमारे यहाँ काम करती हैं महिलाएं वो बीच में क्या करती थी, दवाइयाँ छोड़ देती थी सर, और पता चला कि फिर ऐसे ही आ रही हैं, बीमार पड़ रही हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली रखती हैं उन दवाइयों को। और मेरी महिला मित्रगण जो हैं वो इस मुहिम में सबसे आगे रहती है ताकि उनको बराबर अवेयर करती रहे कि हमें और भी 8-10 लोगों को आगे आगे बताते जाना। इसके लिए मैं एक लॉटरी सिस्टम में निकालती हूँ सर, ताकि जो आगे लोग बता रहे हों कि महिला मित्र क्यों बनाए हम, तो उनको जब वो लोग महिला मित्र अपने साथ लाती हैं या कोई भी वर्ग के लोग लाते हैं या पुरुष भी हो सकते हैं उसमें, तो फिर हम उनके लिए लॉटरी निकालते हैं और उनको दवा फ्री देते हैं ताकि उनका एक जोश बरकरार रहे कि अच्छा हम इस मुहिम से जुड़े हैं तो इसके हमें क्या लाभ है। तो महिला हमारी सर आप देख भी सकते होंगे मेरे पीछे बहुत सारी मेरी महिलाएं मित्र इकट्ठी हैं आज यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने स्टोर के माध्यम से मैंने 25 लोगों को रोजगार दिया हुआ है और साथ ही उसमें महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी लोग हैं, अदर लोग भी हैं सर। तो इसलिए इस योजना से हम लोग को अलग अलग तरीके से लाभ हुआ है सर, और ये लोग महसूस कर पाते हैं आज के टाइम में सर। सर जैसे आप महिलाओं के लिए अनेक स्वास्थ्य योजना लाए, टॉयलेट है, उज्ज्वला है, सैनिटरी नैपकिन्स लाए, और आपने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी और ये बिल्कुल मन में आपने चिंता नहीं की कि समाज कैसा रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारी बहनें और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये सफलता मेरे कारण कम है, ये सफलता इसलिए है कि आप जैसी लाखों सक्रिय जागरूक बहनें अब इस काम को आगे बढ़ा रही है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने इसको सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक जीवन का मिशन बना दिया है, और आपने लोगों को जागरूक भी करना और लोगों को मदद पहुंचाना, ये सारे काम आपने किए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बनारस का मैं हूं, आपने मुझे एक नया आइडिया दिया, वो आइडिया लोगों ने सुना कि आपने महिला मित्र का एक संगठन खड़ा किया है। मैं और भी जन औषधि केंद्र के जो लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि बनारस का ये बहन अपूर्णा का जो अनुभव है उसमें से आप भी जरूर सीखें, महिला मित्रों का एक संगठन खड़ा करके, खास करके सैनिटरी नैपकिन और पर्सनल हाइजीन में कैसे चिंता करनी चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी माताओं की पर्सनल हाइजीन में हम मदद कर पाए तो हमारा समाज बहुत जल्दी स्वस्थ होता है।
आने वाले बालक भी स्वस्थ होते हैं। और इस काम को करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई के साथ और बनारस वासियों का उत्साह तो बड़ा देखते ही बनता है, मैं सबको नमस्कार करता हूं और सबको फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आइए बनारस से हम सीधे चलते हैं, बनारस से हम सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। आइए पुलवामा में बात करेंगे। हाँ बताइए। आदाब अरे जनाब। आदाब जनाब। मेरा नाम गुलाम नबी डार है जनाब। पेशे से मैं वकील हूँ और घर में जमींदारी का काम भी करते हैं। जनाब हालात की वजूहात के बिना पर कश्मीर के अक्सर लोग बीमारी के शिकार हो गए और उनको महंगी कीमत पर दवाएं मिलती थी। तो अब जब से आपने ये स्कीम जनाब चालू की है, इससे लोगों को काफ़ी फायदा मिला है, लोगों को राहत मिली है और हर कोई इस वक्त ये कहता है कि हमें अब बीमारी पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। ये जनाब आपने इंसानियत की खदमत के लिए कदम उठाया है, हम आप बहुत इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि आपने ये कदम गरीबों के लिए उठाया है। और यहाँ जनाब ये डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये जो स्कीम है ये जो गांव में फैलनी चाहिए जनाब, क्योंकि गांव के लोग अक्सर जनाब बेचारे अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं और उनका गुजारा भी नहीं होता है और लाचार होते हैं। ये कर्जा है और हालातों ने उनको भी दबा के रखा है। ये स्कीम गांव तक जानी चाहिए ताकि आपका ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप तो इंसानियत की खदमत कर रहे हैं। इंसानियत की खदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत बजुद खदमत एक खालक ने, ये हजरत साजी ने कहा है जनाब कि सबसे बड़ी इबादत जो है वो खदमत खलक है। आप तो वो करते हैं जिस तरह आप कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब करे नेक इरादों में। हमारे मुल्क में और हमसाये ममालिक में आपकी सहायता से आपके इस जो आप खुदा अल्लाह तआला ने आपको सूझबूझ दिया है। गुलाम नबी जी, आपको कितना लाभ हुआ इस योजना से, आपको स्वयं को कितना फायदा हुआ? मुझे जनाब मुझे कम से कम 10,000 रुपए खर्च होता था इसे पर। 10,000 रुपया जनाब बहुत ही तकलीफ होती थी। दवाएं लिखते थे डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी ये कंपनी के दवाएं हम लेते थे। तो फिर हमें पता चला कि नहीं, यहाँ से ये स्कीम चालू हो गई, हम भी इसका टेस्ट करेंगे। हमने वहाँ दवाएं लाई, वो कम कीमत पर मिली और इस वक्त मुझे जनाब वो 10,000 के बजाय 1,000 रुपये खर्च होता है। 9,000 रुपये बच रहा है। 9,000 रुपये बच रहा है, बहुत फायदा आ गया। आप जनाब सिर्फ हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि ये गाँवों तक फैलना चाहिए। मैं गुलाम नबी जी आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और यही बड़े दिल के इंसान का काम है कि आपको फायदा हुआ इतना नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दूर पहाड़ों में गांवों में भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने औरों की चिंता की और आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया, मैं आपका आभारी हूँ। और गुलाम नबी साहब आप बैठिए आराम से, मेरे लिए खुशी है कि मेरे यहाँ दिल्ली में भी मेरे एक मित्र हैं, वो भी आप ही के नाम है उनका, गुलाम नबी। आप जानते हो भली भांति जनाब। अब गुलाम नबी जी मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि आज मुझे पुलवामा में एक सच्चे अर्थ में गुलाम नबी के दर्शन करने का मौका मिला, ये मैं जरूर उनको बताऊंगा। गुलाम नबी जी, आपकी जो दिक्कतें हैं इनमें लगातार दवाओं की जरूरत रही है। हमें संतोष है कि जम्मू कश्मीर में जन औषधि योजना के तहत आप जैसे साथियों का बहुत लाभ हो रहा है। और आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या दूसरे पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र, यहां पर
जन औषधि योजना को विस्तार भी देना है और सारी दवाएं उपलब्ध रहे ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। और हमारे साथी मंत्री श्री मनसुख भाई इसी विभाग के मंत्री हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं, तो आपके सुझाव उन्होंने सुने हैं, तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो तुरंत आपके इस सुझाव पर काम करना शुरू करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की और लद्दाख में जो नई व्यवस्थाएं बनी हैं उनसे इस प्रकार की सुविधा में और तेजी आएगी। पहले की केंद्र की योजनाओं को वहां लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अभी अड़चनें हट गई हैं। बीते डेढ़ साल में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व तेजी से विकास का काम चल रहा है। इस दौरान 3.5 लाख से ज्यादा साथियों को अकेले जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। 3 लाख बुजुर्ग महिलाएं, दिव्यांगजन, उनको सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा गया है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो वहां नए एम्स और दूसरे मेडिकल कॉलेज पर भी काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास में आ रही है तेजी अब और बढ़ने वाली है। अब सही मायने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना यहां जमीन पर उतर रही है। आइए इंसानियत के इस माहौल से और गुलाम नबी साहब का बड़ा आशीर्वाद पूर्ण बातचीत से मुझे आज बहुत संतोष हुआ और मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आइए अब कश्मीर से कन्याकुमारी यानी अब हम दक्षिण में तमिलनाडु में कोयम्बटूर चलते हैं, कोयम्बटूर में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मोदी जी। वणक्कम 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 मोदी जी। माय नेम इज शिरिल बालकृष्णन। वी आर रनिंग नियरली 32 जनौषधि मेडिकल स्टोर्स and in Coimbatore, and last year we have started a clinic inside Janaushadi Kendra. I mean we have a clinic inside the Janaushadi clinic, inside the clinic, and Modi clinic. Modi, it's called Modi clinic, sir. We are charging clinic. Only 50 yes sir, we are charging only 50 rupees consulting fee. We have nearly 12 doctors. We have dental department here, and we're charging only 50 rupees for all the treatment consulting fee, and the poor get the medicine also very less from Janaushadi clinic. I mean Janaushadi Kendra, and clinic consulting fee is very low. So the clinic, we have started a private clinic, but people call as this Modi clinic. So we are planning to start more venture clinic like this, Modi ji. Me and my wife is doing this. I'll introduce my wife, Deepa Balram. Namaste Modi ji. Deepa ji, vanakkam. Vanakkam, vanakkam. How are you, sir? I'm fine. Thank you. I'm trying my level best to keep fit. All right, good. और कौन बात करेगा? हमारे मंत्री किशन जी भी आज आपके बीच में बैठे हैं, जरूर अपनी बातें बता देना, उनसे मुझे पता चल जाएगा। हाँ बताइए। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। मेरा नाम गीता है, मैं कोयम्बटूर में रहने वाली हूँ। मेरा एज 60, मेरे को 2 साल से डायबिटिक्स है। 1 साल बाहर दिखाती थी, पर मंथ 2000 होता था, मगर अब यहाँ आपके अस्पताल में दिखाई थे 600 से 700 तक होते। अब पर मंथ पर ईयर 35,000 मेरे को बचत होती है। अब मैं अच्छी हूँ, आसपास वालों के भी बताती हूँ, यहाँ चीप एंड बेस्ट मिलता है वहाँ करके बताइए। गीता जी, आपको फायदा हुआ है? बहुत ही फायदा हुआ, अभी मैं बहुत ही अच्छी हूँ। चलिए, तो मोदी क्लिनिक आपके काम आ रहा है? हाँ, बहुत ही काम आ रहा है।
मेरे बच्चों को भी अच्छे यहाँ पर लेकर आती हूँ, मेरे पोते को सब यहाँ पर लेकर आती हूँ बस। मेरी तरफ से हाँ बताइए, कुछ कहना है आपको? आप तमिल में बोलूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए, तमिल बोलिए। मैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके चलता हूँ। नूर आंडे निंगल नन्ना रखनो उंगल सेवे नाटक सेवे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं तमिलनाडु। हाँ किशन बताइए, किशन बताइए क्या क्या? माधव सेवा ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी, मानव सेवा ही माधव सेवा, भगवान का सेवा है जनता, जन सेवा प्रभु सेवा। वणक्कम वणक्कम, आपका नाम? एंड गुड मॉर्निंग आल्सो। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पी जॉर्ज स्टीफन, एज 72, आई एम कमिंग फ्रॉम ईरोड इन तमिलनाडु नियर कोयंबटूर, 105 किलोमीटर्स। यस, देन वेरी रिसेंटली यू हैव ओपनड मेडिकल स्टोर्स एट ईरोड आल्सो। पास्ट वन ईयर आई एम परचेसिंग मेडिसिन फ्रॉम that medical store. It is price, cost of the price is very low, and compared to private medical stores this is very easy to purchase. So I request you to kindly open many more medical stores around the in Tamil Nadu, especially in village side. And also I request you to kindly control the coronavirus all over in India. That is my ambition and my wish. Thank you. Thank you. Thank you. We'll try our level best to expand as many as Jan Aushadhi Kendra in the nook and corner of the country. We will try our level best, and even Tamil Nadu will also be beneficiary. Thank you. Vanakkam to everybody in Tamil Nadu. मुझे बताया गया कि अब मुजफ्फरपुर बड़ी बारिश चल रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद फिर से सब लोग मैदान में आ गए हैं। आइए मुजफ्फरपुर को, बिहार के सब नागरिकों को बहुत बहुत नमस्ते। और होली की तो बड़ी जोरों की तैयारियां चलती होगी आपके यहाँ। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते, मैं पंकज कुमार झा मुजफ्फरपुर जिले के बिहार से हूँ। मैं एक दिव्यांग भी हूँ। विगत 7 वर्ष पहले नक्सलाइट हमला में बम से मेरा हाथ उड़ गया था। मैं दर दर का ठोकर खा रहा था कि मैं अब विकलांग हो गया, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा, मुझे कौन कपड़ा पहनाएगा। मैं इसके लिए मैं व्याकुल हो रहा था, लेकिन कहते थे कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान ने मुझे, आप जैसे मुझे भगवान मिला दिया। मैं पेपर में पढ़ा ना तो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री जन औषधि खोले, मैंने खोला। जब खोले ना मोदी जी तो मेरा दुकान मेरा काम चलता था, लेकिन लोग आते थे, मैं विश्वास दिलाता था। लेकिन धीरे धीरे आकर कहते कि मोदी जी का दुकान है, कि जी मोदी जी का दुकान है। अच्छा दवाई है क्या? जो दवाई होता था ना देते थे, जो नहीं होता था ना तो मैं ऑर्डर लिख लिया करता था और बोलते थे कि माता जी चाचा जी एक सप्ताह में दे देंगे। मैंने पॉज से ऑर्डर किया, तुरंत आता था, दवाई भी सबको मिलता था। सब यही कहते थे कि मोदी जी का दुकान है, मोदी जी का दुकान है। पंकज जी, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ, आपका एक हाथ चला गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप अपने हौसले को लेकर के आपने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। तो पंकज जी, आप सचमुच में अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपका जैसे लोगों का जीवन, जब एक तरफ कोई बम फेंक करके आपको आपकी हत्या के पर तुला हुआ है, आपको दिव्यांग बना देता है, आपका हाथ चला जाता है, आप प्रतिशोध के बजाय सेवा के अंदर अपनी शक्ति खपा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरक उदाहरण है। और इसलिए पंकज जी, सबसे पहले तो आज
मैं आपको नमन करता हूं और आप सही मायने में जन औषधि की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये योजना, अब बैठिए पंकज जी, ये योजना सस्ती दवाओं के साथ साथ आज दिव्यांग जनों सहित अनेक युवा साथियों के लिए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा साधन बनी है। जन औषधि केंद्रों के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, ऐसे अनेक दूसरे साधनों का भी एक पूरा नया नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, जिसमें हजारों युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। जहां तक दिव्यांग जनों का सवाल है, तो मेरा हमेशा से मानना है कि उनके सामर्थ्य का और बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। यही कारण है कि बीते 5 वर्षों से दिव्यांग जनों की सुविधा और उनके कौशल विकास को लेकर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। दिव्यांगों को शिक्षा, रोजगार और उसके अधिकार उसको देने के लिए जरूरी कानून भी बदलाव किए हैं। निश्चित रूप से जन औषधि जैसी हमारी योजनाओं में भी दिव्यांगों की अधिक से अधिक भागीदारी हम सभी को सुनिश्चित करनी है और हमारे मंत्री जी वहां बैठे हैं, हमारे सांसद वहां बैठे हैं, एक प्रकार से आपने इस जन औषधि केंद्र का एक बहुत बड़ा उत्सव खड़ा कर दिया है। तो मैं सचमुच में आज जहां जहां देश के कोने में मुझे बात करने का मौका मिला है, आप लोग ने समय निकाला, लेकिन एक बात है, जन औषधि केंद्र सच्चे अर्थ में जन शक्ति बन रहे हैं। सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जन औषधि योजना को भी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर काम चल रहा है। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि देश का हर नागरिक स्वास्थ्य के प्रति अपने दायित्व को भी समझे। हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्वच्छता, योग, संतुलित आहार, खेल और दूसरे व्यायाम को जरूर जगह देनी चाहिए। मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए आप जितना आग्रह करते हैं, खेलने के लिए भी उतना ही आग्रह कीजिए। बच्चे का अगर दिन में 4 बार पसीना नहीं आता है, उतना मेहनत नहीं करता है, तो माँ बाप ने चिंता करनी चाहिए। फिटनेस को लेकर हमारे प्रयास ही स्वस्थ भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। मैं एक बार फिर जन औषधि केंद्र के इस अभियान में जुड़ने के लिए जो जन औषधि केंद्र चला रहे हैं, उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। देश के कोटि कोटि जन अभी भी इस व्यवस्था से अपरिचित है। मैं आपको भी कहूंगा, मैं मीडिया के साथियों को भी कहूंगा कि मानवता का काम है, सेवा का काम है, आप अपनी तरफ से भी इसका भरसक प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और गरीब से गरीब लोग इन सुविधाओं का लाभ लें। आप किसी न किसी की जिंदगी में मददगार होंगे। इस काम को हम सब मिलकर के करें। आप सबको फिर से एक बार बेहतर स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। आप सबको होली के पावन पवित्र त्यौहार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है, उसमें जो डूज एंड डोंट्स है उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.